अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को लाभ दिलाया जाए, ये कहना है डॉक्टर संजय निषाद का। प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री ने विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने आज विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर जनपद के अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश के मंत्री मत्स्य विभाग डॉक्टर संजय निषाद ने जनपद मुजफ्फरनगर स्थित विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया, पुलिस अधीक्षक नगर, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी मुजफ्फरनगर, उप निदेशक मत्स्य सहारनपुर मंडल सहारनपुर, अग्रणी बैंक प्रबंधक सहारनपुर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुजफ्फरनगर, जिला परियोजना अधिकारी नेडा मुजफ्फरनगर, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता मुजफ्फरनगर, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग मुजफ्फरनगर, उपायुक्त मनरेगा मुजफ्फरनगर, उप निदेशक मत्स्य मुख्यालय लखनऊ उपस्थित रहे। मत्स्य मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उप योजनाओं तथा बायोफ्लॉक पांड निर्माण और निवेश, मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स, RAS निर्माण और फीड मिल और किसान क्रेडिट कार्ड, मछुआ दुर्घटना बीमा योजनाओं का वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक मत्स्य पालकों को लाभ दिलाया जाए, जिससे मत्स्य किसानों की आय में वृद्धि हो सके, रोजगार का भी सृजन हो सके। जनपद की प्रगति से प्रसन्नता व्यक्त की गई और उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लक्ष्य की जल्द से जल्द पूर्ति करने का प्रयास किया जाए। ये जानकारी सहायक निदेशक मत्स्य मुजफ्फरनगर ने दी। लगभग 21 परियोजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा 60% सब्सिडीज के हैं महिलाओं के और पुरुषों के 40 हैं 2021-22 के, तो योजनाएँ धरातल पर लाई जाए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। और उसमें मुख्यमंत्री संपदा योजना में निषाद राजपूत योजना एक मछुआ कल्याण कोष है, जिसमें मछुआरों के बच्चों को पढ़ने की कोचिंग के लिए उनके इलाज अगर आयुष्मान भारत कार्ड में उसे 5 लाख रुपये तक वह इलाज करा ले उसे मिल जाए, तो उसे गरीबों को निचले पावदान के रहने वाले लोगों को पैसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें मिले। और इसमें उद्यमी भी आए जिससे कि मत्स्य क्षेत्र में काम करें आगे बढ़ें। उसके लिए हमें तमाम अधिकारी जो मान लीजिए सिंचाई विभाग के हैं, हमारे जो है ट्यूबवेल के हैं, बिजली हैं, खाद्यान्न हमारे हैं, मछली है प्रतिबंधित जो थाई मागुर है उसे खाने से कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, उसे हमारी बंद होता है। इधर जो है सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल में ढेर सारे पता चला मतलब तो प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस को ये रखा है कि शासन आदेश का पालन हो। और PMSY गाइडलाइन में फिश फार्मर फिश वर्कर फिश वेंडर्स ऐसे हैं तो कोशिश होगी जो मत्स्य जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं उन्हें पहले दिया जाए क्योंकि वो उजड़े हुए लोग हैं। मंत्री जी, आज अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही है, क्या कहेंगे? उन्हें बहुत पहले दे देना चाहिए क्योंकि जब कोई भी जनप्रतिनिधि जो मुखिया होता है अगर उसके ऊपर कोई आरोप लग जाता है, आरोप जो है प्रत्यारोपित हो जाता है, कुछ एविडेंस जनता के पैसे जनता के अभिभावक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के अभिभावक के रूप में होते हैं और अभिभावक के ऊपर ही अगर इस तरह का है तो उन्हें इस्तीफा पहले दे देना चाहिए, बाद में जांच होता फिर अपने हिसाब से होता। बहुत देर कर दिया उन्होंने, आज अभिभावक मोदी जी योगी हैं जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। मंत्री जी, राहुल गांधी ने विदेश में एक बयान दिया आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे आप उसको लेकर जिस तरह से बयान दिया गया है? ये आरक्षण के नाम पर तो 70 साल से वोट लेते रहे लेकिन दलितों की दशा कौन सही किया? अनुसूचित जात आयोग पिछड़ा वर्ग आयोग, निषादों के आरक्षण को खाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यह फाइल गायब कराने वाली है पब्लिक फाइल 74/4-1950 जिसके आधार पर आरक्षण हुआ था लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन, तो ऐसे कांग्रेस को तो देश में रहने का कोई हक नहीं। मंत्री जी, शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, इसको लेकर क्या कह रहा है समुदाय आमने सामने? इसके लिए कोर्ट ने फैसला दिया है और भारत में लोकतंत्र में न्यायपालिका कार्यपालिका विधायिका अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।